आप उन बिचारों से पैसे कमा के अपना घर चला रहे हो. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू पुट समथिंग ऑन टू मी ना बी केयरफुल. बट भाई वो कभी भी आपसे कॉन्वर्सेशन खत्म है, आप मुझसे बात नहीं करेंगे अभी. सो गाइस कल ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सलमान खान UK 07 राइडर पर एंग्री हो गए? जी हां गाइस, कल वीकेंड का वार पर सलमान खान UK 07 राइडर के एक स्टेटमेंट को लेकर उनकी क्लास लगा दिए. तो पूरा मैटर कहां से शुरू हुआ मैं आपको बता देता हूं. तो आपको पता होगा बेसिकली कुछ टाइम से बिग बॉस एंड सलमान खान UK 07 राइडर को टारगेट कर रहे थे. सो प्रीवियस वीकेंड का वार पर सलमान खान ने UK 07 राइडर की चुगली को लेकर उनके फैन बेस को ऐसा बोल दिया था कि देखो ब्रो सेना, आप ऐसे बंदे को फॉलो करते हो, आपके बाबू भैया तो ऐसे हैं. काइंड ऑफ उनकी इंसल्ट कर दी थी. सो ये बात UK 07 राइडर को काफी हर्ट की थी. फिर UK 07 राइडर मुनावर से भी इस बात को शेयर किए थे. वो कहे थे ये बात मैं प्रोफेशनली लूंगा भाई, मेरा घर उससे चल रहा है, मेरा सब कुछ उससे चल रहा है यार, मेरे अकाउंट में जब 2000 रुपए थे ना, मेरा घर उससे चला है. सो इस पे मुनावर कहे थे तेरे काम का मजाक नहीं उड़ाया ब्रो. तो तब UK 07 राइडर बोले थे बट जिन लोगों से मैं मारा हूँ उन लोगों का मजाक था भाई, मेरे को ऐसा फील हुआ. इनसाइड ऑफ द हाउस अगर मैंने एक चुगली करी, अगर आप मेरे को प्रोफेशनली मेरे फैन बेस को बोलोगे देखो भाई तुम्हारे बाबू भैया ब्रो सेना देखो ये कर रहे हैं, दैट वाज द थिंग आई फेल्ट हर्ट. सो इसी से रिलेटेड कल सलमान खान UK 07 राइडर के इस एक स्टेटमेंट को लेकर उनकी क्लास लगा दिए. सलमान खान कहे इनकी तो आर्मी है जो इन्होंने खुद कहा है कि मैं इनसे पैसे कमाता हूं. सो UK 07 राइडर डिनाई किए कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि मैं इनसे पैसे कमाता हूं. फिर सलमान खान कहे मुनावर से कहा था आपने, वो कहे देखो वॉट एवर योर आर्मी इज ना, वी हैव गॉट द होल हिंदुस्तान एज आर्मी. फिर UK 07 राइडर कहे भाई मैंने ये कहा था कि उन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है. जिस पे सलमान खान कहे बिल्कुल नहीं. वो मुनावर से पूछे मुनावर क्या कहा था इन्होंने, देन अनुराग डोभाल की तरफ इशारा करते हुए कहे इनसे तो एक्चुअली बात ही नहीं करनी चाहिए. तो सलमान खान मुनावर से पूछे थे तो मुनावर बताए कि UK 07 राइडर उनसे कहे थे कि उनसे मैं कमाता हूँ, मेरा घर चलता है. देन सलमान खान मुनावर की बात को रिपीट करते हुए अनुराग डोभाल को टॉन्ट किए. वो कहे ये नहीं कि मैं मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनका घर चले, यहाँ वो ब्रो सेना की बात कर रहे हैं. वो कहे आप उन बिचारों से पैसे कमा के अपना घर चला रहे हो. फिर सलमान खान थोड़ा एंग्री होके UK 07 राइडर को वॉर्न किए. वो कहे नेक्स्ट टाइम व्हेन यू पुट समथिंग ऑन मी ना बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, बिकॉज योर आर्मी इज ऑल्सो मे बी अ पार्ट ऑफ माई फैन क्लब. फैन क्लब छोड़ो लाइक ब्रदर्स. सो फिर UK 07 राइडर इस पे क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे थे तो सलमान खान थोड़ा गुस्से में उन्हें रोक दिए. वो कहे अनुराग आई डोंट वांट टू टॉक टू यू समबडी हु सेज दैट के मेरा घर इनसे चलता है. सो इस पे UK 07 राइडर कहे बिल्कुल भाई उन लोगों ने बनाया है मुझे. सो व्हाट्स रॉन्ग इन दिस. सो इस पे सलमान खान कहे मेरा भी घर, हम सबका घर किसी ना किसी की वजह से चलता है, बट वो जो जिस हिसाब से आपने कहा था कि मेरा घर इनकी वजह से चलता है, आई डोंट वांट दिस टू हैपन. सो इसके बाद इसी से रिलेटेड UK 07 राइडर के अकाउंट से एक स्टोरी आई जो कि ऑब्वियसली उनके भाई कलम इंक हैंडल कर रहे हैं. वो लिखे वी स्टैंड विद ट्रूथ, पूरी स्टेटमेंट घुमा दी अनुराग की, जो उसने बोला उसका पूरा अपोजिट बोल दिया, पर ब्रो सेना जानती है कि सही बोला था. ब्रो सेना वी स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट दिस टारगेटिंग ऑफ अनुराग. सो गाइस ये था पूरा मैटर और मेरा ओपिनियन इस पे ये है कि UK 07 राइडर के एक स्टेटमेंट को लेकर सलमान भाई ने उन्हें गलत पोर्ट्रेट कर दिया. और ये बात तो सच है, हम सभी यूट्यूबर्स का घर तो हमारी ऑडियंस से ही चलता है. आप लोग वीडियोस देखते हो तभी तो यूट्यूब क्रिएटर्स को पैसे देता है. और अनुराग डोभाल भले ही गलत हो पर उन्होंने अपनी ऑडियंस के लिए स्टैंड लिया, और उस जगह पे कोई और यूट्यूबर होता तो वो भी लेता, क्योंकि अपनी ऑडियंस की इंसल्ट होते हुए कोई नहीं देखेगा. सो गाइस आपका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर.